Welcome to my channel, Nanny Classes, and today we are going to read a story. The title of the story is My Dream Christmas. And today we are going to read this story, and uh, through this uh, this story, we will practice of reading. We will learn uh, meaning of dif difficult word. Also, I hope you will like the story. We will enjoy the story. Let's start our story. दिस इज अ टचिंग स्टोरी अबाउट द ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिसमस लेट सी वट ही डज टू मेक एट आर ड्रीम क्रिसमस अ वेरी स्पेशल क्रिसमस जो ये स्टोरी है ये बहुत ही हार्ड टचिंग स्टोरी है एंड इसमें बताया गया है ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिसमस आओ हम देखेंगे कि ड्रीम क्रिसमस क्या है और एक बहुत ही स्पेशल क्रिसमस मनाया गया है वट वॉज दैट We will come to know after reading the story. I was confused and worried. Why wasn't Christmas like it used to be? Why wasn't there a beautiful decorated green Christmas tree? Why wasn't Santa wearing his favorite red suit? हेयर द बॉय देंग कि आई वॉज कन्फ्यूज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था एंड वरिड था वरिड में चिंतित था वाई वॉज एंड क्रिसमस लाइक इट यूज टू भी तो uh, जो क्रिसमस है वो uh, हमेशा की तरह क्यों नहीं हो रहा है और वाई वजेंट दे आर अ ब्यूटिफुल डेकोरेटेड ग्रीन क्रिसमस ट्री और यहाँ पर एक ब्यूटीफुल डेकोरेटेड ग्रीन कलर का क्रिसमस क्रिसमस ट्री क्यों नहीं था

जो सॉन्ग सारे लोग और पूरे वर्ल्ड में सभी क्रिसमस सीजन में गाते हैं नथिंग सीम्ड राइट विद दिस क्रिसमस इस क्रिसमस में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था द ओवर वेट मैन बिहाइंड द काउंटर एट द कॉन्फेक्शनरी स्माइल्ड एज ही स्लिप्ड स्मॉल स्लाइस ऑफ क्रिसमस केक टू द अंडर नरिश्ड बॉय हु वॉज प्लेइंगलोर्स ऑन हिज माउथ ऑर्गेन जो ओवरवेट मैन है काउंटर के पीछे कॉन्फेक्शनरी कौ, कॉन्फेक्शनरी मीन्स अ शॉप डेट सेल्स केक एक शॉप जहाँ पे केक मिलते हैं ब्रेड चॉकलेट्स और बाकी बेक प्रोडक्ट मिलते हैं तो वहाँ पे जो ओवरवेट मैन है काउंटर के पीछे वो स्माइल करता है एंड स्लिप मीज गेव समथिंग क्वाइटली एंड क्विकली विदाउट एनिवन एल्स मीन्स वो एक छोटा सा स्लाइस देता है स्लाइस ऑफ क्रिसमस केक एक क्रिसमस केक का स्लाइस देता है अंडर नरिश्ड बॉय अंडर नरिश्ड बॉय अंडर नरिश्ड मीन्स इन बेड हेल्थ जो कि जिसकी हेल्थ ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ अ पोअर डाइट और इन सफिशियंट फूड उसको खाना प्रॉपर नहीं मिला है इसलिए वो अंडर नरिश्ड है वीक है आ, उसको वो एक स्लाइस देता है ब्रेड की वट्स मोर ही डिड नॉट चार्ज द बॉय सिंगल रुपी फॉर इट और उस बॉय से वो एक सिंगल रुपी भी इसके लिए नहीं लेता है द लेडी नेक्स्ट डोर हैड अ काइंड वर्ड फॉर मीरा द यंग गर्ल हु टुक आउट द गार्बेज और जो लेडी है नेक्स्ट डोर पे वो मीरा के लिए बहुत काइंड kind, काइंडली uh, उससे बात करती है उस यंग गर्ल उस छोटी लड़की के लिए जो कि हु टुक आउट द गार्बेज जो गार्बेज कूड़ा बीनती है वट्स मोर सी गेव हर टू ड्रेसेज और वो उसको दो टू ड्रेसेस देती है सो दैट द लिटिल गर्ड गर्ल हैड समथिंग न्यू टू वेयर दिस क्रिसमस इसलिए जो छोटी लड़की है उसको क्या हो सके नई ड्रेसेस मिल सके इस क्रिसमस पे माई आंट विजिटेड माई कजिन्स होम फॉर द फर्स्ट टाइम इन थ्री ईयर्स और जो उसकी आंट है उसके कजिन के घर जाती है पहली बार तीन सालों में पहली बार एंड वंडर ऑफ वंडर शी हकड हर डॉटर इन लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम और ये बहुत ही एक शॉकिंग थिंग है कि वो अपनी डॉटर इन लॉ को फर्स्ट टाइम गले लगाती है हक करती है माई फ्रेंड विकी डिड नॉट बैक चैट हिज पेरेंट्स ही गेव हिज फादर अ सेंटिमेंटमेंटल कार्ड विथ जस्ट सैड थैंक्स फॉर ऑल यू हैव डन फॉर मी डैड जो उसका फ्रेंड है विकी वो अपने फादर को बैक चैट मीन्स अ वे ऑफ आंसरिंग दैट शोज नो रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन यू आर स्पीकिंग टू तो मीन्स वो उनको ऐसा आंसर नहीं देता है जिससे कि ऐसा लगे कि वो उनको रिस्पेक्ट नहीं करता है ही और वो अपने फादर को एक कार्ड बना के देता है सेंटीमेंटल मीन्स इमोशनल फील्ड विथ इमोशन इमोशन से भरा हुआ एंड ही रोड इन डेट कार्ड थैंक यू टू हिज डैड अपने डैड को थैंक यू बोलता है कि जो भी चीजें आपने मेरे लिए की एंड टू हिज मदर ही गेव अ सिंगल रोज और अपनी मदर को एक वो फ्लार देता है रोज एंड मेरेकल ऑफ मेरेकल्स माई ब्रदर एंड आई वर नॉट फाइटिंग ओवर द सेम पेयर ऑफ स्नीकर्स और जो इतना मेडिकल मीन्स क्या हो जाता है ये चमत्कार हो जाता है कि जो उसका ब्रदर है और वो वो फाइट नहीं करते हैं स्नीकर्स के पेयर के लिए इन फैक्ट वी वर विलिंग टू गिव द ओल्ड पेयर टू गणेश सन ऑफ द पियोन एट डैड्स ऑफिस एज अ क्रिसमस गिफ्ट और इसके आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं नहीं करते इसके बजाय वो लोग क्या करते हैं अपना ओल्ड पेयर जो है वो गणेश को जो कि उसके फादर के ऑफिस में पियोन है उनका बेटा है उ, उनको देते हैं एज अ क्रिसमस गिफ्ट बट जस्ट वी वर गेटिंग इन टू द कार टू फाइंड गणेश होम माई मदर कॉल्ड आउट टू मी और लेकिन जैसे ही वो कार पे बैठते हैं गणेश के घर जाने के लिए उनकी मदर उन्हें बुलाती है

हिज रेड सूट एंड जिम रिवीज वॉज स्टिल सिंगिंग वाइट क्रिसमस ऑन यू ट्यूब तो जब वो जल्दी से तुरंत उठता है तो ओ थैंक गुडनेस जो उनका जो ट्री है इट वॉज स्टिल ग्रीन वो ग्रीन था और सेंटा ने अपनी फेवरेट रेड कलर का सूट पहना हुआ था एंड जो जिम है ही वॉज स्टिल सिंगिंग वाइल क्रिसमस ऑन यू ट्यूब वट वट आर रिलीफ तो उसको थोड़ा सा रिलीफ uh, मिलता है ऑल वॉज राइट विद दिस क्रिसमस वो बोलता है कि सब कुछ ठीक है इस क्रिसमस पे आई थॉट टू माई सेल्फ वो अपने आप में सोचता है द ओवर वेट मैन एट द काउंटर इन अ बैड मूड एज यूजल और जो ओवर वेट आदमी है काउंटर में वो हमेशा की तरह बैड मूड पे है उसका जो मूड है हमेशा वो गुस्से में रहता है ग्रम्बर्ड एट द माउट और गन प्लेयर फॉर कमिंग इन टू द कॉन्फेक्शनरी वेन देअर वॉज ऑलरेडी सच अउड वो आ, हमेशा की तरह अपने बेड मूड पे है और वहां पे कॉन्फेक्शनरी में वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है और जो लेडी है नेक्स्ट स्टोर पे शी येल्ड ये मीन चिल्लाती है एज यूजल हमेशा की तरह एट मीरा फॉर ड्रॉपिंग बेड ऑफ रविश इन द कॉरिडोर मीरा पे चिल्लाती है क्योंकि थोड़ा सा कूड़ा उसने कॉरिडोर पे उससे गिर गया है माई आंट यूजल टैक्टफुली अवॉइडेड गोइंग टू माई कजन्स हाउस और जो उसकी आंट है वो आ, हमेशा की तरह अवॉइड करती है उसकी कज़न के हाउस को जाना टैक्टफुली मीन्स इन अ मैनर डेट विल नॉट एनॉय और अपसेट अदर पीपल मतलब कि एस, इस वे में जिस वे से किसी को गुस्सा ना आए किसी को अपस, कोई अपसेट ना हो विकी फोन मी टू क्रिटिसाइज हिज नैरो माइंडेड पेरेंट्स और जो उसका फ्रेंड है वो उसे फोन करता है उसके नैरो माइंडेड पेरेंट्स की कंप्लेन करने के लिए उनको क्रिटिसाइज करने के लिए क्योंकि वो उसे समझते नहीं है नैरो माइंडेड मीन्स अनविलिंग टू लिसन टू न्यू आइडिया जो कि नई आइडियाज को नहीं मानते हैं नए दूसरों के ओपिनियन को नहीं सुनते हैं हाफ वे थ्रू दैट क्रिसमस डे आई पॉज टू थिंक एंड आस्क माई सेल्फ वुडेंट इट बी वंडरफुल इफ ऑल वॉज नॉट राइट तो वो अपने आप सोचता है पूरे क्रिसमस डे के दिन अपने आप से पूछता है वुडेंट बी वंडरफुल ये बिल्कुल अच्छा होता अगर सब चीजें ऐसी नहीं होती आई रियलाइज दैट फार मोर इम्पोर्टेंट देन दॉन्ग्स बींग संग एंड कलर्स ऑफ द क्रिसमस ट्री एंड सेंटा सूट वॉज हाउ वी ट्रीटेड पीपल ओ स रियलाइज उसे रियलाइज होता है सेंटा uh, के सूट से ज्यादा और जो क्रिसमस ट्री है उसके कलर से ज्यादा सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं हाउ वी बिहेव विद अदर्स हम दूसरों के साथ में कैसे बिहेव करते हैं वट वी सेट टू डैम एंड वट वी डिड फॉर देम हम उनसे क्या बोलते हैं हम उनके लिए क्या करते हैं आई रियलाइज वो रियलाइज कर डेट क्रिसमस वॉज अ टाइम टू मेक अदर्स हैप्पी एंड डेट्स वट वी शुड ट्राई एंड डू वाइल सेलिब्रेटिंग एनी फेस्टिवल वो डेट क्रिसमस वॉज अ टाइम वो क्रिसमस एक टाइम था दूसरों को हैप्पी uh, रखने का दूसरों को खुशी देने का और हमें ट्राई करना चाहिए ऑलवेज वी शुड ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी वाइल सेलिब्रेटिंग एनी फेस्टिवल जब हम कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वी शुड ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी Could my dream Christmas now have a blue tree, Santa in green, a red Christmas, and love all around? I माई myself. वो अपने आप से पूछता है कि जो मेरा क्रिसमस है उसमें एक ब्लू ट्री होगा सेंटा ग्रीन कलर में होगा रेड क्रिसमस और सबके लिए प्यार होगा द आंसर टू डेट क्वेश्चन वॉज क्लियर वाई नॉट उसका आंसर उसे मिला कि क्यों नहीं द uh, so told माई ब्रदर ही could वेयर द नेक्स्ट एंड Unless of course he thought it was a better idea to, to give it to गणेश तो अपने ब्रदर को स्निकर्स पहनने के लिए बोलता है और एक आइडिया बताता है कि जो ओल्ड वाले उनके स्निकर है वो गणेश को दे दें माई ब्रदर वॉज शॉकड एंड वो बहुत शॉक हो जाता है उसका ब्रदर ही वैंड टू माई फादर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू ड्राइव अस टू गणेश होम और वो फादर से जाके रिक्वेस्ट करता है कि उनको गणेश के घर तक लेके जाए डैड स्माइल डैड जो है स्माइल करते हैं एज ओनली ही कैन एंड एग्रीड और वो क्या हो जाते हैं

टियर और जो उसकी मदर है वो रैप कर देती है स्नीकर्स को और उनकी आंखों से आंसू आते हैं सी लुकड ऑन विथ प्राइड एज वी गॉड इन टू द कार और जब वो कार में बैठे हैं वो बहुत ही प्राउड फील करती है ऑल वॉज राइट विथ दिस क्रिसमस इस क्रिसमस में सब कुछ ठीक था माई ड्रीम क्रिसमस वॉज हैपनिंग उसका जो ड्रीम क्रिसमस था जो उसने सपना देखा था वो हो रहा था वी वर मेकिंग इट हैपन वो उसे अगर, ट्रू जो उसका सपना था उसे ट्रू कर रहे थे उसे देवर मेकिंग देयर ड्रीम ट्रू